देखिए ये संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है 394, तो उन संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि पहली संख्या a होगी और दूसरी संख्या a प्लस 2 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि दो विषम या सम संख्याओं में क्रमागत में दो का अंतर होता है। अब प्रश्न अनुसार यहां से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि a का वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग और प्लस 4 यानी a प्लस b के वर्ग से निकालेंगे और प्लस 2ab यानी 4a बराबर क्या है 394। यहां से देखिए 2a स्क्वायर हो गए और प्लस 4a बराबर क्या हो जाएगा 390। यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 2a बराबर 290 या फिर a स्क्वायर प्लस 2a बराबर 195। और इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 195 बराबर 0। यहां से हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करके 195 आए और अंतर करके 2 आए, तो हमने लिया a स्क्वायर प्लस 15a तो माइनस 13a तो माइनस 195 बराबर 0। और यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा, a a प्लस 15 और यहां से माइनस 13 कॉमन, a प्लस 15 तो बराबर 0, a की दो वैल्यू है कि माइनस 15 और 13, तो इस वैल्यू को हम लिखे इस वैल्यू में। इसी प्रकार अब सेकंड का मान क्या है 15, तो हमसे योग पूछा था 13 और 15 का योग 28 अंतर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आते हैं, एक का घन प्लस दो का घन और प्लस 10 तक के योग किसके बराबर है, तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, जब एक से संख्या स्टार्ट हो रही है तो योग का फॉर्मूला है n n प्लस 1 बटे 2 और इस पूरे का स्क्वायर, यानी यहां से रहेगा 10 और यहां से 10 अधिक 11 और बटे 2 का स्क्वायर, यानी 2 से लेकर जाएगा तो 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना जाएगा 5 × 5 = 25 और दूरी 50 और यह जाएगा 25, 25 में जोड़ देंगे इसे 5, 2, 3025 इसका आंसर। ठीक है चलिए अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन, इसके योग का मान 3025 के लिए यहां से दे रखा है और यहां से मैं क्या करूंगा 4 धन्यवाद।